कभी भी बच्चों की बाल लीला को देखकर अपनी लीला नहीं बतानी चाहिए। एक हम लोग थे, तुम थे ना, हो नहीं ना, तुम थे तब इतनी सुविधा नहीं थी। यहां पहुंचना होगा तो कितनी दूर तो पैदल चलना पड़ता होगा। भोपाल से यहाँ आने में 3 रास्ते हैं, यदि गाइड अच्छा न हो तो न जाने कई घंटा लग जाए। गाइड मिल जाए तो 1 घंटा समय बच जाता है, कहाँ कहाँ घुमाएगा। जिला इसका विदिशा है, कोई सोचे कि हमको लटेरी जाना है तो विदिशा में ही न होगा तो विदिशा पहुँच जाएगा और समय बढ़ जाएगा। जब तक उधर जाएगा तब तक भोपाल से इधर आ जाएगा। तब का समय और था, अब का समय और है। बच्चों को ये कथा ना बताई जाए, एक हमारा समय था, आपका समय था तो बोरा लेके पढ़ने जाते थे, अब बच्चों को पढ़ने के लिए कुर्सी और टेबल मिलता है, अंतर नहीं है। तब हम लोग हाफ पैंट पहन के कक्षा 9 तक पढ़े थे, बटन बंद करते थे, एक ऊपर एक नीचे हो जाती थी, तो मास्टर साहब कहते थे कि ए कुर्ते की बटन खोल कर ठीक से बंद करो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तुम ये क्या अफगानिस्तान ईरान बना रखे हो। गुरुजी लोग कहते थे, अरे क्या बात है, पिटाई तो विधायक जी जलपान था। हमारे गणित वाले गुरुजी कहते थे, देखो विविध प्रश्नावली के 8 प्रश्न हल करा दिया हूँ, कल जो लगा के नहीं आएगा 20 छड़ी दाएं 20 छड़ी। आधे क्लास तो आती ही नहीं थी, उनका नाम था मरखावा पंडित जी, बहुत धोते थे साहब, बहुत धोते थे। तब पिटाई होती थी तो घर वाले पूछने नहीं जाते थे, ये पूछते थे कि क्या गलती किया था। अब के ये जो माता पिता तो रहे नहीं, मम्मी पापा जाके बम फोड़ देते। अब और तब में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी बचपन और पचपन के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, इसको सहज रखिए। बचपन बचपन है, बचपन के साथ उसकी बड़ी अच्छी मैत्री है, क्योंकि बीच वाले न बचपन को समझ रहे हैं न बचपन को समझ रहे हैं, इसलिए फ्रेंडशिप रखिए। मेरे सरकार वचनबद्ध किए माँ को और अपने प्रभु माँ से वचनबद्ध हुए बार बार कौशल विनय कर कर अब जन कबहू प्रभु महे हे प्रभु। आज के बाद से आपकी माया प्रकृति हमको कभी न व्यापे। भगवान ने तभी कहा था, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहुन मिटी, मेरे अनुग्रह माने सहज कृपा से आपका अलौकिक विवेक सर्वकाल उपस्थित रहेगा। भगवान माँ से, माँ भगवान से, माया प्रकृति के साथ वचनबद्ध हो गए। अब माँ का भाव बदला तो भगवान सोचने लगे, ये तो बात बहुत टेढ़ी हो गई। माँ उसी भावावेश में रहने लगी तो भगवान ने माया प्रकृति को फिर प्रेरित किया और माँ सहजावस्था में आ गई। तो बाबा कह रहे हैं, बाल चरित हरि बहु की
नमस्कार भाइयों संग, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ, अर्थात बाल उतरा गुरुदेव भगवान की सन्निधि में। बाल उतर गया, अब चारों भैया घर से बाहर खेलने जाने के योग्य हो गए। जाते हैं, खेलते हैं, मिट्टी में लौटते हैं, लौड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, रौदते हैं, रौदाते हैं, आनंद मनाते हैं। सानुमति खेलते हैं प्रभु, बच्चे बड़े कोमल हो गए आजकल, मिट्टी लगने नहीं देते हैं लोग। न अपने मिट्टी लगने देते हैं, न बच्चों को मिट्टी। ये मिट्टी का ही तो बना है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। माटी का है सर, माटी छोपना है। पहले चोट लगती थी तो हम लोग माटी रगड़ देते थे, आराम मिल जाता था। अब माटी छू दो तो कहते हैं टिटनस हो जाएगा, फिटनेस बिगड़ जाएगा, इतनी बीमारी आ गई है ना। लेकिन भगवान, ओह